हम बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, वो मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन उनकी शुद्धता की और गुणवत्ता की किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उनको अपन घर पे कैसे तैयार करें और किस तरीके से तैयार होती है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ मिले हुए होते हैं जो हमारी स्किन को डल, डैमेज या किसी भी प्रकार की एलर्जी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा टोनर बनाना सिखाऊंगी जो आप फेस पैक में, क्लींजर में, मेकअप रिमूवर में, हम हर तरह से उसको काम में लेते हैं और बहुत तरीके से वो काम में आता है। मैं आज आपको गुलाब जल को कैसे घर पे तैयार करते हैं उसकी रेमेडी बताऊंगी। रेमेडी को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रेमेडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि गुलाब जल है वो किन चीजों में काम में आता है, इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसको हम ज्यादातर चीजों में काम में लेते हैं। आपने देखा होगा फेस मसाज करते हैं किसी भी तरह की तो अपन उसमें गुलाब जल काम लेते हैं, फेस मास्क बनाते हैं, रिमूवर होता है, क्लींजर होता है, टोनर होता है या फेशियल करते हैं तो इन सब में ज्यादातर गुलाब जल काम में लेते हैं, या किसी भी प्रकार की हमारी जलन हो गई तो उसमें काम में लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटी होती है जो आपकी स्किन को एकदम से क्लियर करती है। जैसे सनटैन होता है, यानी कि जो सूरज की रोशनी से जो स्किन झुलस जाती है, सनबर्न होता है, हमारी किसी भी प्रकार की टैनिंग इचिंग होती है स्किन के अंदर, एलर्जी होती है या खांसी हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, इन सब में ये गुलाब जल होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि रोज वाटर के अंदर अथाह गुण होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम रोज वाटर हर चीज में काम में आता। आंखों पे जलन होती है तो रोज वाटर काम में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों के ऊपर रोज वाटर लगाते हैं, गुलाब जल लगाते हैं, लेकिन आप घर पे अगर साफ सुथरा हो रोज वाटर हो या उसकी शुद्धता की कोई गारंटी हो तो आप उसको, आपकी आंखों के अंदर जलन होती है, इचिंग होती है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी होती है तो रोज वाटर को आंखों में डालने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो चलिए रेमेडी को शुरू करते हैं। ये रेमेडी दो तरीके से बताऊंगी। इससे पहले आपको 2-3 कप साफ सुथरे पानी का लेने हैं, फिर उसके अंदर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, उसके अंदर डूब जाए इस तरीके इतने लेवल का पानी और इस लेवल की पंखुड़ियां होनी चाहिए, और फिर उनको आप धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद जैसे जैसे वो बॉयल होगा वैसे वैसे जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो अपना कलर छोड़ेंगी और साथ में खुशबू भी, पंखुड़ियों का कलर डल होता जाएगा और पानी का कलर रेड होता जाएगा। अब जल आप उसको नीचे उतारें, पानी को ठंडा करें और फिर स्प्रे बोतल या किसी ऐसे कंटेनर जार में जो साफ सुथरा हो उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप चाहें तो किसी प्रकार की आंखों में एलर्जी है तो उसमें भी यूज में ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जैसे अपन ने 2-3 गिलास पानी लिए, उसके अंदर गुलाब जल की पंखुड़ियां ली, आप उसको मीडियम साइज में कर दिए। पहले अपने धीमी आंच पे किया था, अब अपन मीडियम साइज की आंच पे करके इसको बॉयल करेंगे और ऊपर उसको ऐसी प्लेट देंगे, उसके ऊपर आपको बर्फ डालनी है, बर्फ डालनी, फिर धीरे 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 पानी बॉयल होता जाएगा और उसके अंदर ऊपर बर्फ से थोड़ा पानी डलता जाएगा, जिसके अंदर वो पानी होता है वो सूखेगा नहीं एकदम से। 10 मिनट के बाद में उसको चेक करें तो उसके अंदर गुलाब जल की पंखुड़ियों का कलर आ जाए, तो उसको नीचे उतार करके ठंडा होने तक वेट करें और फिर छान के में डाल के फ्रिज में स्टोर कर लेना है। ये है रोज वाटर बनाने की सबसे अच्छी दो तरह की रेमेडी जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है। कुछ भी होता है गुलाब जल लगा लो, कहीं भी जाते हैं गुलाब जल लगा लो, शाम को आकर के अपन फेस को साफ करते हैं तो गुलाब जल से करते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं तो गुलाब जल से करते हैं, कि ये टोनर के रूप में या क्लींजर के रूप में बहुत ज्यादा काम में आता है। तो इसको आप घर पे ज्यादा से ज्यादा बना के रखें, क्योंकि मार्केट से आप लेके आते हैं तो उसमें कई तरह के केमिकल्स आते हैं, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हमें पता नहीं कि घर पे कैसे बनाते हैं। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखें, बिल्कुल ही आसान सा तरीका है और आपका रोज वाटर अच्छे से बन जाए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसी ही किसी नई रेमेडी के साथ में अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।